हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। हाजिर हूँ महाभारत के एक नए एपिसोड को लेकर। आज ग्राउंड जीरो पर हम पचौदी पहुँचे हैं। पचौदी से बीजेपी की राह कितनी आसान है या फिर चुनौती देने के लिए राज बब्बर तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब टिटोलने के लिए हम ग्राउंड जीरो पचौदी पर पहुँचे हैं। और यहाँ से जानेंगे कि आखिर जो गुड़गांव का रास्ता है पटौदी से गुजर कर जो जाएगा वो गुड़गांव कौन पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा और कितनी ताकत से पहुंचेगा। गुड़गांव लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जाता है कि राव इंद्रजीत के लिए राह बहुत आसान है, चीज़ें जो हैं उनके फेवर में हैं, लेकिन क्या वाकई धरातल पर अब की बार भी राव इंद्रजीत के लिए रास्ता आसान है या राह में चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। तमाम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार पलड़ा किसका भारी है जानते हैं पटौदी की जनता से। इस वक्त हम पटौदी के मुख्य बाजार में हैं और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे पूरी मार्केट आपको नज़र आ रही होगी। इस मार्केट के ज़रिए हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इस बार चुनाव है लोकसभा का, पटौदी की जनता का क्या मन है, क्या मोदी जी के नाम पर मोहर लगाएंगे या फिर कुछ और मुद्दे हैं उनके जिसको ध्यान में रखते हुए वो इस चुनाव में वोट डालेंगे। चलिए बात करते हैं, बहुत से लोग हमें दिख रहे हैं इस वक्त और देखते हैं इनके मन में क्या है। लोकसभा चुनाव है, पटौदी की जनता के मन में क्या है इस बार? भाई बीजेपी कोई ज़्यादा शोर मच रहा है, बीजेपी का शोर मच रहा है। एक कांग्रेस ने भी एक कैंडिडेट खड़ा किया है राज बब्बर। जननायक जनता पार्टी ने राहुल फाजिलपुरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। लगता है कि सेलिब्रिटीज इस चुनाव में आ गए हैं तो बीजेपी को टक्कर मिलेगी। लोग बाग ये सुन रहे हैं जी हम तो कि राज बब्बर यहाँ काम करेगा या बॉम्बे में करेगा। वो तो फिल्म स्टार है ना, वो तो फिल्म स्टार है, तो अगर हमें कोई जरूरत पड़ गई किसी बाई चांस किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई तो हम तो इंद्रजीत के पास दो मिनट में पहुँच जाएंगे। राज बब्बर की तरफ कित पहुँचेंगे मिलते हैं, इंद्रजीत मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते हैं जी, बात करते हैं, अच्छी तरह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रेवाड़ी में हमारे नज़दीक है, हम तो नमस्ते भी करते रहते हैं उनसे। हाँ जी, मतलब उम्मीद है। आपको क्या लगता है कौन चमत्कार कर पाएगा इस बार चुनाव? चमत्कार तो जी राज बब्बर ही कर पाएगा। राव इंद्रजीत को तो 25 साल लगातार बन लिया, पहले कांग्रेस में दो योजना, दो बीजेपी में, कब गाँव में कब आता है दिखता है, कभी गाँव में किसी के सुख दुख में आया हो तो। राज बब्बर भारी है, चलो मान रही भारी है, लेकिन क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, गांव में विकास हो, गलियों में। ये पटौदी की सड़कें देखो कैसी खस्ताहाल पड़ी है। तो पटौदी में विधायक तो बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं और मोदी जी तो पूरे देश के हैं, क्या लगता है? नहीं हुआ ना विकास, कहाँ हुआ है, कौन सा विकास हो रहा है? पटौदी की सड़कें देखो, ये रेवाड़ी रोड वाली सड़कें देखो, टूटी पड़ी है सारी, गाँव में गंदा पानी भरा पड़ा है, कहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। आपको लगता है राज बब्बर कर पाएंगे? वो कह रहे हैं कि वो बॉम्बे में काम करेंगे या फिर यहाँ का काम करवाएंगे? जरूरी नहीं है, वो बॉम्बे में ही रहें, बॉम्बे में काम करेंगे। अगर यहाँ से उठे हैं कुछ करने के लिए तो क्या कर भी पाए? चले तो ये कह रहे हैं कि राज बब्बर कुछ कमाल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आप कौन मुकाबले में हैं? बीजेपी जाएगी वैसे? बीजेपी बीजेपी ने अच्छे काम किए आपको पसंद है, आम जनता को लगता है? लगता है अच्छा है, सारे अच्छे काम किए। इनको भी बोलने दीजिए, आपने तो अपनी बात रख ली है, इनका इनको भी बोलने दीजिए, क्या लगता है आपको? हाँ बीजेपी जाएगी, बीजेपी जाएगी, बढ़िया काम किया है। हाँ मोदी जी के नाम पे वोट डाले? हाँ मोदी, मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे। आपको क्या लगता है मोदी जी का मैजिक है या फिर अभी चुनाव थोड़ा मुश्किल रहने वाला है? देखो जी पता नहीं, डालते हैं कि नहीं डालते हैं आप? डालते हैं वोट भी तो किसको, जो घर वाले जिसको कहते हैं उसी को डाल देते हैं कि खुद भी देखते हैं कि कौन बढ़िया होगा कौन नहीं? खुद ही देख लेते हैं कहाँ कौन सा बढ़िया, उसी को डाल देते हैं। क्या लगता है कौन बढ़िया है देश के लिए? अभी तो देखो क्या होता है, कोई राज बब्बर को बोलते हैं, कभी इंद्रजीत को बोलते हैं, अभी जिसके तरफ चलेगी गाड़ी उनके नहीं भेज देंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं कि अभी माहौल भी बना नहीं है, जब माहौल चुनाव का बनेगा क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग है तो समय है, तो आप सोच रहे हैं अभी? सोच रहे हैं, अभी तो सोच रहे हैं। तो मोदी जी के सामने भी सोचने की जरूरत पड़ती है क्या लोगों को कि किसको किसके साथ जाना है चुनावों में? अब ये सोचने की तो अभी खास सवाल है। चलिए तो ये कह रही है अभी सोचेंगे, अभी माहौल इतना बना नहीं है चुनाव का और जब बनेगा तब उसके बाद बात की जाएगी। आपको क्या लगता है युवा हैं वोट देते हैं? जी जी। क्या लगता है मोदी जी या फिर कोई और? कोई और? कोई और जी। क्यों? यहाँ के हम ना, हम तो यूपी के हैं। अच्छा आप यूपी के हैं और यूपी से भी कह रहे हैं कि कोई और? जी वहाँ पे यूपी के दिल में तो मोदी जी बसते हैं ऐसा कहा जाता है।
जो पेपर जो होते हैं पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बेकार होती है, क्या किया जाए। तो पेपर लीक होने से परेशान हैं आप, इसलिए कह रहे हैं कि किसी और को मौका दिया जाना चाहिए, दोबारा मौका किसी और को। चलिए ठीक है, तो कह रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं और उससे हम काफ़ी परेशान हैं। अब इस परेशानी को कौन हल करेगा, किसके पास इसका हल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए वहाँ पर चलते हैं, कुछ लोग वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, हालाँकि जैसे ही देख रहे हैं कि कैमरा पास में आ रहा है तो तितर बितर हो गए। क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, लोग मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे या कैंडिडेट्स को इस बार देखा जाएगा? नहीं जी, कैंडिडेट को हर बार देखा जाता है, और राव इंद्रजीत जी तो वैसे कैंडिडेट काबिल हैं, जिस भी पार्टी में जाए कोई दिक्कत नहीं, बट बीजेपी बेस्ट तो है, मोदी जी के नाम पे तो है ही सब। तो बीजेपी के साथ अगर इंद्रजीत की जो जोड़ी है, आपको लग रहा है ये बढ़िया है और इसके साथ तो लोग डेफिनेटली जाना चाहिए? बेस्ट है राव राजा इंद्रजीत, वैसे भी बेस्ट हैं, और प्लस में मोदी जी का साथ, सबका विकास। ठीक है, राज बब्बर को कांग्रेस ने बना दिया कैंडिडेट, आपको क्या लगता है? राज बब्बर का नाम सुना है? शीर्ष नेतृत्व से बात, राज बब्बर का नाम सुना है? प्रधानी है ये बताओगे, हम तो कांग्रेस अपने प्रधान तो आप है ना, अपनी वोट के प्रधान तो आप है। चलिए इनको, ये छुप रहे हैं बोलने से। क्या लगता है राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, टक्कर दे पाएंगे राव इंद्रजीत को? राव इंद्रजीत को वोट देंगे जी हम, जिस मर्जी को दीजिए आप, राज बब्बर राव इंद्रजीत को टक्कर दे पाएंगे क्या? नहीं मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं, किसी एंगल में नहीं है। तो सेलिब्रिटी हैं, लगता है कि ट्रैक्टर काम करेगा या नहीं? नहीं मैडम नहीं, मोदी के सामने सब फैल है, सब कुछ भी मनोरंजन नहीं चाहिए, वो टीवी पे मनोरंजन कर सकते हैं ना, यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं है ना उनकी, कोई सिर्फ राव इंद्रजीत ही काम, इंद्रजीत ही है जी बेस्ट, वही रहे। तो कह रहे विकास चाहिए, मनोरंजन नहीं चाहिए, और विकास चाहिए तो इसलिए मोदी जी को वोट करना पड़ेगा। अगर मनोरंजन चाहिए होता है तो ठीक है, आप किसी फिल्म स्टार को वोट दे दीजिए या फिर आप किसी सिंगर को वोट दे दीजिए, लेकिन विकास चाहिए और विकास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ ही मिलेगा। काका आपको क्या लगता है, कहाँ जा रहे हैं? चलिए शायद बोलना नहीं चाह रहे हैं, और लोग इनसे पूछते हैं क्या लगता है 2024 का जो ये चुनाव है लोकसभा का, किसके लिए रहा आसान है? नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी जी के लिए। बिल्कुल फैन है मोदी जी। हाँ जी। तो राज बब्बर भी कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा, एक सिंगर जननायक जनता पार्टी ने फाजलपुरिया उतारा। नहीं, मोदी के फैन है, सरोसे मोदी के फैन है। तो सबसे बेस्ट क्या लगता है जो मोदी जी ने किया देश के लिए? मोदी के लिए ये है जो 4 साल की भर्ती निकाली है वो भी सही है, अग्निवीर योजना जो आप कह रहे हैं कि अच्छी है, वो बढ़िया काम है, सभी को रोजगार मिलेगा, सही है। ठीक है, तो कह रहे हैं मोदी फैन है हम तो, अग्निवीर योजना जो सरकार की तरफ से चलाई गई वो बहुत ही बेहतर है और उससे बहुत सारे रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। काका आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव है 2024 के, किसका पलड़ा भारी है? देखो है तो मोदी जी का ही पलड़ा भारी है, बढ़िया काम किया मोदी जी, काम बढ़िया किया है, काम करता है, सॉलिड करता है एकदम, पर कोई गलती करता है तो निचरला ही करे पर वे ना करे। तो गुड़गांव तो हमेशा से वैसे कहा भी जाता है कि शहरों की अगर बात कर ले तो बीजेपी के लिए बहुत सेफ रहती है, ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे है नहीं। तो जो दूसरे कैंडिडेट हैं दूसरी पार्टियों के, आपको लगता है टक्कर दे पाएंगे राव इंद्रजीत को? राव इंद्रजीत को टक्कर तो दे पाएंगे, पर ऐसी बात ना है, इनमें कोई कैंडिडेट ना है ऐसा, अगर बन भी जाएगा ना तो इतना कोई तगड़ा कोई कैंडिडेट ना है, नहीं है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है बीजेपी को ही बनना चाहिए, बीजेपी को ही बनना चाहिए, बढ़िया काम मोदी जी ने, काम बढ़िया करते हैं। मोदी जी ने बढ़िया काम किया और बीजेपी ने जिस तरीके से ओवरऑल देश के विकास कार्य किए हैं, कह रहे हैं उससे बहुत मैं खुश हूँ। आपको क्या लगता है, बढ़िया काम मोदी जी के हुए हैं या फिर किसी और को मौका देना चाहते हैं इस बार? मोदी जी सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे बढ़िया काम। हाँ जी, अच्छे काम। क्या किस बात के फैन है मोदी जी के, 370 हटा दी, जो काम करे सही करे, जैसी बात नहीं है। देखो जी, हाँ, बाकी जो नीचे वाले जो हैं, जैसे अपने हरियाणा के अंदर खट्टर जी से, उन्हें कोई को तो बदल दिया ना। हाँ, जब तो ये कुल मिला के सही हो जाएगा ये सारा काम ना। नया सीएम बनाया आप कह रहे हैं, बढ़िया है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हमारे सब सही हो जाएगी। कह रहे हैं कि पहले हालांकि थोड़ी सी परेशानियाँ थी, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, नीचे की अगर बात करें, नीचे लेवल की बात करें या स्टेट पॉलिटिक्स के नेताओं की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत है, आपको क्या लगता है दिक्कत इस बार लोकसभा चुनावों में किस पार्टी के किस नेता को होने वाली है? मोदी को मैडम। मोदी को, मोदी जी को दिक्कत होने वाली है या मोदी जी के लिए बढ़िया रहने वाला है? बढ़िया रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है ना, मैं तो दिक्कत पूछ रही हूँ, मतलब दिक्कत दूसरी पार्टियों को होने वाली है। हाँ, दूसरी पार्टी को होने वाली है। मोदी जी के फैन है, डाई हार्ट फैन, क्या मान लें?
क्या लगता है कि सबसे बढ़िया काम मोदी जी ने कर दिया? बढ़िया कर दिया मोदी ने, ऑनलाइन सब सिस्टम बढ़िया। जो ऑनलाइन सिस्टम आप कह रहे हैं, जो ऑनलाइन चीज़ें हर चीज़ को लेके कर दी गई, पोर्टल्स बना दिए गए, डिजिटलाइजेशन जितना हुआ उससे बेटर हैं चीज़ें। लेकिन हम जब भी ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत से लोग डिजिटलाइजेशन को लेके सवाल भी उठाते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया तो परेशानियाँ बहुत सारी होती हैं, सर्वर नहीं चलते, सिस्टम हैंग हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आपको क्या लगता है, अच्छा है या फिर ठीक है? परेशानी तो होती है लेकिन परेशानी सॉल्व भी होती है। सॉल्व भी होती है, बढ़िया भी होती है परेशानी, समस्या हल भी होता है, फिर बढ़िया भी चल रही है, कुछ घटिया भी चलती है, कुछ तो होता भी प्रोसीजर बढ़िया है, मतलब कुल मिलाकर बढ़िया जा रहा है। लेकिन जो डिजिटल इंडिया का काम है वो बढ़िया है, उस दिशा में बढ़िया काम, उस दिशा में बढ़िया डिजिटल, जो डिजिटलाइजेशन का काम हुआ है, डिजिटल इंडिया की तरफ काम हुआ है, वो बढ़िया है। हम और चलते हैं मार्केट के अंदर, तमाम दूसरे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या लोकसभा चुनावों को लेकर है। आप वोटर हैं यहाँ की, पटौदी की रहती हैं, पटौदी की रहने वाली हैं? नहीं, पटौदी की नहीं, यूपी। अच्छा, यूपी की हैं। तो यहाँ पे क्या काम के सिलसिले से? हाँ, काम करते हैं सेटरिंग का। अच्छा, तो भी क्या लगता है लोकसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी? हम तो किसी नहीं देते, मोदी का। मोदी का, ठीक है, क्योंकि मोदी का पलड़ा हमें भारी लग रहा है और मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो माहौल है देश में ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में जा रहा है। चलिए, और भी लगातार हम आगे चल के बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। बताइए, लोकसभा चुनाव हैं देश में, माहौल किसके पक्ष में नज़र आ रहा है आपको? अभी मुझे कोई आइडिया नहीं उसके बारे में, कोई अपडेट नहीं, लेकिन कुछ तो नज़र आता होगा, कुछ तो दिखता होगा कि टक्कर है या नहीं है, या बीजेपी के लिए चीज़ें आसान हैं, क्या लगता है? एक्चुअली मेरा पॉलिटिकली जो है बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, फिलहाल मैं दूसरी किसी चीज़ में बिजी हूँ। कोई नेता ऐसा फेवरेट है? नहीं, ऐसा मेरा कोई फेवरेट नहीं। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, दोनों का नाम सुना है? मैंने सबका नाम सुना है। तो अगर इन दोनों में चॉइस की बात हो तो आपको, आप क्या पसंद? मेरी ऐसी कोई पर्टिकुलरली चॉइस नहीं है, मैं पहले स्टडी करता हूँ, ठीक है, मेरा जो नेता है जिसको मैं वोट डालने जा रहा हूँ वो कौन है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं या कैंडिडेट को स्टडी करके देख के? यस, तो ये कह रहे हैं मैं कैंडिडेट को देखता हूँ, उसकी पूरी रिसर्च करता हूँ, क्या काम किए, कैसे काम किए, उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको मैं करता हूँ। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन ज़बरदस्त टक्कर देगा? कोई नहीं देगा, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या राविंदर जीत जीतेंगे? राविंदर जीत जीतेंगे और वो बीजेपी को वोट देंगे, मतलब जो सीट है तो बीजेपी में है तो जाहिर सी बात है वो भी जीतेगी। लेकिन आप कैंडिडेट भी आपको पसंद है और पार्टी तो है ही पसंद? मेरे को तो मैम मोदी पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं देश में। मोदी पसंद है आपको, क्या लगता है मोदी जी या फिर देश में किसी और का कोई स्कोप है? मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। जो आपके विधायक है स्थानीय, सत्यप्रकाश जरावता नाम सुना है इनका? काम किया कुछ? इन्होंने काम कम करे, कम किया। क्यों? बस ऐसे ये भी बड़ा बड़ा हिसाब है। अच्छा, वैसे आदमी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आदमी सही है, लेकिन काम कम किया जरावता साहब, थोड़ा काम अपने एरिया में कम कर। लेकिन मोदी जी से आपको उम्मीद है? वो बढ़िया, पक्का मोदी है। मोदी जी से उम्मीद है, जनाबता साहब ने भले ही कम काम किया हो लेकिन मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, और मोदी जी ने बढ़िया काम किया तो जाहिर सी बात है मोदी जी के साथ ही जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव किसके लिए मजबूती से निकल कर सामने आएगा? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एकदम बीजेपी आना ही चाहिए, कोई सेकंड थॉट नहीं, बिल्कुल बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी। बीजेपी पसंद है, कैंडिडेट पसंद है या फिर आपको मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है, मोदी आना चाहिए, मोदी जी पसंद है इसलिए बीजेपी पसंद, बिल्कुल। दूसरा पार्टी का कोई यहाँ पे मतलब सीट मिलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी के डाई हार्ट फैन नजर आ रहे हैं आप, बिल्कुल। तो क्या लगता है मोदी जी ने सबसे अच्छा काम क्या किया देश के लिए? बहुत किया है, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया। वो फेवरेट काम क्या है मोदी जी का जो उन्होंने किया हो देश के लिए? ये जो बेरोजगारी था वो कर दिया है थोड़ा, बेरोजगारी पे लगाम लगा दी मोदी जी ने, आप कह रहे हैं। बहुत से युवा कहते हैं कि बहुत सारी बेरोजगारी हो गई मोदी जी के राज में। नहीं है फिर भी, लेकिन है, अभी भी है लेकिन उतना नहीं जितना मतलब पहले था जो कांग्रेस के उसमें था। अच्छा काम बेरोजगारी को लेकर किया, बहुत किया है। आपको क्या लगता है लोग मोदी जी के साथ जाएंगे या राहुल गांधी को भी चांस देंगे? नहीं मैडम, मोदी जी अच्छा काम किए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर पाए वो मोदी जी और योगी जी ने करके दिखाया और बहुत ही अच्छा लगा। देश में माहौल भी छाया रखा है कि मोदी जी आने वाले हैं, तो हमें भी खुशी है कि अगली बार भी मोदी जी आए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब मिलकर सपोर्ट करें और अगली बार जो चुनाव ये हो रहा है उसमें मोदी जी को आगे बढ़ाएंगे।
तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का फिर से चांस है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए है और जो मोदी जी ने देश के लोगों के लिए किया है वो कोई और नेता नहीं कर सकता है, और उससे कहीं ना कहीं देश को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। चले और हम चलते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि चुनावों को लेकर उनका क्या कुछ मत है। लेकिन अब देखिए मार्केट में इस वक्त लोग तो काफ़ी हैं, लेकिन महिलाएं जैसे ही कैमरा को देखती हैं मुंह घुमा लेती हैं, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि शायद बोलने में थोड़ा सा हिच होता है, ये सोचती हैं कि क्या कहें क्या ना कहें, कुछ समझ में आता नहीं है। चलिए इस शॉप पे चलते हैं हम। क्या लगता है काका, चुनाव है देश में, एक आम वोटर क्या सोचता है? बीजेपी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। बीजेपी दिल से कह रहे हैं या डर के कह रहे हैं? है जी, दिल से कह रहे हैं। डरना किस से? दिल से कह रहे हैं बेटा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो व्यापारी हैं खास तौर पे, जो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा चाहे जो भी, वो लोग डर जाते हैं बीजेपी से। किस लिए डरना? कोई जो है दो नंबर का काम थोड़ी ना करते हैं व्यापारी, कोई एक नंबर का काम करते हैं, तो किस से डरना है? डरना किस चीज से? कांग्रेस का कोई स्कोप देखते हैं आप? क्या लगता है कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आएगी? कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई। कैंडिडेट है कांग्रेस का राज बब्बर, सुना है? हाँ। क्या लगता है क्या कर पाएंगे चुनाव में? कुछ नहीं कर पाएंगे। इंदर एक तरफा इलेक्शन है यहाँ। इंदरजीत एक तरफा बिल्कुल ही, मतलब इंदरजीत ऊपर से बीजेपी ऊपर से मोदी जी, तो सारे फैक्टर उनके पक्ष में है, यानी कि आप कह रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल इंद्रजीत को लेके है, और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब इंद्रजीत भी हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, ये तमाम नाम भी एक साथ जब आ जाते हैं, एक साथ चुनाव है और लोगों ने तमाम चीज़ों को ही चुनना है, तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर वो देखते हैं। अब इनसे भी बात करते हैं, क्या इनको लगता है चुनाव हैं 2024 के? सर क्या लगता है किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एक तरफा लगभग कोई कॉम्पिटिशन आपको नज़र नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो राज बब्बर भी हैं कांग्रेस से, सुना है नाम? जी सुना है। क्या लगता है? नया कैंडिडेट है उसका, तो इतना भी वो नहीं है। उनसे तो अगर कैप्टन को टिकट मिल जाती तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर होता। अच्छा, तो आपको लग रहा है कैप्टन अजय यादव को दी जानी चाहिए थी? यहाँ लोकल हैं यहाँ के, ये बाहर के हैं, थोड़ा ये फर्क है। तो मतलब ग्राउंड पे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि कैप्टन अजय यादव की अनदेखी हुई? बिल्कुल हुई। तो जो ये कहा जा रहा है हुडा साहब की चली, हुडा साहब को क्लीन चिट, वो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, तो क्या लगता है कि आगे जो चुनाव हैं उसमें भी इस तरीके से जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी अनदेखी होगी भूपेंद्र सिंह हुडा के अलावा? अनदेखी होगी तो हार होगी। मिल के लड़ना चाहिए सर। जो पुराने लीडर हैं उनको तो कम से कम आगे करना चाहिए, जैसे कैप्टन तो बहुत पुराना लीडर है, अब उसकी भी अनदेखी हुई और बाहर का कैंडिडेट एकदम आ गया, तो ये पैराशूट कैंडिडेट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल पैराशूट कैंडिडेट। कह रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट बना दिया गया राज बब्बर को, भले ही कैप्टन को मिलती टिकट तो शायद कुछ फाइट होती। आपको क्या लगता है ये जो चुनाव है 2024 का क्या करवट लेगा? बीजेपी की कंपटीशन में दूसरी पार्टियां भी हैं कहीं नजर आएंगे या फिर नहीं? कंपटीशन तो होगा मैम, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, उतना कंपटीशन नहीं। अच्छा, कम रहेगा। तो क्या लगता है क्यों इस तरीके का माहौल है और इतना पॉजिटिव, अगर हम बात कर लें ये पूरा चुनाव बीजेपी के लिए क्यों नजर आ रहा है? ये कुछ हिंदुत्व की बात। तो ये कह रहे हैं कि जी हिंदू फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हिंदुत्व की वजह से जो चीज़ें पॉजिटिव बीजेपी के लिए नज़र आ रही हैं वो देखने को मिल रही हैं ग्राउंड पे। और हालांकि एक शख्स ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस में टिकट गलत बांटी गई है, भारी को लाके यहाँ पर टिकट दे दी गई, अगर कैप्टन अजय यादव को देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपको क्या लगता है सर 2024 का लोकसभा चुनाव क्या देश फैसला करने जा रहा? फैसला तो मोदी है। वोट डलनी है 4 जून को फैसला आएगा, लेकिन आप पहले ही अपना फैसला सुना रहे हैं? हाँ, मोदी को 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, होगा संभव? हाँ संभव है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? 400 नहीं। अब हमसे बातचीत करने के लिए तो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, फैसला
हो गया है और लोग फिर से मोदी जी को चुनने जा रहे हैं। चलिए इस तरफ भी चलते हैं रूट के, यहाँ पे भी हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। 2024 के चुनाव क्या लगता है, कौन सी पार्टी कमाल कर पाएगी? कमाल तो आज के दौर में महसूस नहीं हो रहा क्या होगा, पसा पलटने का चांस है। अच्छा, अब बहुत से लोगों से मैंने बात की इस मार्केट में जब मैं आई, तो ज़्यादातर लोग बीजेपी के फेवर में ही मुझे मिले। आप कह रहे हैं पासा पलटने के चांस है, तो पासा तो शहर बाजार के हिसाब से बाजार में तो ज़्यादातर आपको वही लोग मिलेंगे जो बीजेपी के समर्थक होंगे। आप गांव और देहात में जाके देखिए, वहाँ महसूस होगा आप। मतलब गाँव में तो वैसे भी बीजेपी के लिए हमेशा से फायदा रहता ही, शहरों में तो माफ़ कीजिएगा फायदा रहता ही है बीजेपी के लिए, गाँव में दिक्कत परेशानियां होती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं पासा पलट सकता है ना, तो आपको क्या लगता है मोदी जी के लिए पलट सकता है या फिर राव इंद्रजीत के लिए इस बार कुछ चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं? नहीं, मोदी जी के लिए पलट सकता है, राव इंद्रजीत आगे हमेशा हैं, ये तो हमेशा होते रहते हैं, इन्हों कोई दूर नहीं है। तो राव इंद्रजीत की दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, वो जीत रहे हैं, वो चले जाएंगे, तो हमेशा होते हैं। मोदी जी आप तो कह रहे हैं मोदी जी सेफ नहीं है? नहीं, मोदी जी सेफ नहीं है, पूरे देखो आप पूरे देश के अंदर क्या हाल हो रहा है, महंगाई देखो किस आलम पे पहुंच गई है, दिख रहा है क्या परेशानी लगती है? महंगाई सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई से बड़ा और क्या होगा, कारोबार लोग खत्म हो गए हैं, दुकान छोड़ के खाली बैठे हुए हैं सब, ये इन 10 सालों में ये तो हुआ है और क्या हुआ है, कारोबार खत्म हो गए हैं। महंगाई क्या लगता है कांग्रेस को मौका देंगे तो ये तमाम परेशानियां कम करेगी क्या? कम तो कैसी बात नहीं, महसूस कुछ तो हो रहा है इन 10 सालों में, इन 5 सालों में क्या महसूस हो रहा है देखिए आप, कारोबार ख़त्म हो लिए हैं। और मोदी जी को लोग वोट क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है? बस एक मुद्दा, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, राम मंदिर, इसके अलावा महंगाई को तो उन्होंने बुलंदी पहुँचा दिया, अब लोग कहते हैं विकास विकास विकास, क्या विकास है? जितना रोड पर चलोगे आप, हर 20 किलोमीटर पर टोल टैक्स देख लो, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? आपके भले ही रोड सब बनी हो लेकिन टोल टैक्स कितना ज़्यादा जा रहा है, इसको कोई देख हो गया, टैक्स दे के आप किस कदर बढ़ गए। चलिए शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये साफ तौर पर कह रहे थे कि अब की बार तो देखिए बदलाव भी हो सकता है, मोदी जी के लिए खतरा नज़र आ रहा है, राव इंद्रजीत बिल्कुल सेफ हैं लेकिन मोदी जी को कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए रोड कनेक्टिविटी की बात कीजिए तो बहुत बढ़िया काम किए गए हैं लेकिन बावजूद इसके टोल टैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस दिशा में कोई बात करता ही नहीं है। टोल टैक्स देना तो आम आदमी को ही पड़ता है ना, अल्टीमेटली सफ़र तो फिर से वही करता है, तो इसमें ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि उनको क्या लगता है चुनाव इस बार क्या मैसेज देने जा रहा है और देश इस बार क्या फैसला करने जा रहा है। 2024 का चुनाव है, आपको क्या लगता है? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चुनाव है, आपको क्या लगता है टक्कर कौन देगा? मैम मेरे को तो पता नहीं इन चीज़ों का, आपको नहीं पता है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी होनी चाहिए वैसे तो, बीजेपी होनी चाहिए। इनसे भी पूछ लेते हैं आपको क्या लगता है देश में चुनाव है 2024 के, अब जनता किस करवट, यहाँ तो बीजेपी का माहौल है मैम, हाँ जी पूरा माहौल है, बहुमत से बीजेपी आनी है। अच्छा, हाँ जी, देश में भी मोदी जी आएंगे आपको? हाँ जी मोदी जी आ रहे, पूरा विकास करवा रखा है जी, हाँ जी, बढ़िया काम है, सांसद बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी ने बढ़िया काम किया, खट्टर साहब ने भी किया, ये नए नायब सिकसैनी आए वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, खट्टर साहब के काम से भी खुश थे आप तो, मतलब अच्छा काम किया है इसलिए एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तीसरी योजना भी बीजेपी आनी चाहिए कि देश की बहुत रोजगार क्या, गरीबों को बीपीएल कार्ड बना के दिए हैं और भी काफ़ी सुविधा की है, इसलिए बीजेपी मोस्ट है। ये जितने भी काम हुए आप कह रहे हैं ये मोदी जी ही कर सकते थे और कोई कर नहीं सकता था, इसीलिए फायदा अब इस बार चुनावों में बीजेपी को, यहाँ तो माहौल भी बीजेपी का ही है, मोदी जी को ज़्यादा पड़ते लाइक, मोदी जी का माहौल है, आपको क्या लगता है सर किसका माहौल है चुनावों में, आपको क्या लगता है चुनावों में किसका माहौल है? मोदी जी का है जी, फुल ऑन मोदी जी, पूरे मोदी जी के फैन नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं फुल ऑन मोदी जी, यहां तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, पटौदी के अंदर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी बिना और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बढ़िया काम हो रहा है, उन्हें तो चिंता ही नहीं है चीज की, हां जी फिर सरकार मोदी जी की है, निश्चिंत हो जाओ, पटौदी में तो चाहे पूछो ही मत, सारे का सारा पटौदी साथ में है, सारा पूरा पटौदी आस पास में जितने भी यहाँ वो लग रहे गाँव सब मोदी जी, पूछने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो मोदी जी ने इतने बढ़िया काम किए हैं, मोदी जी के साथ ही हम लोग जा रहे हैं और मोदी जी के साथ ही हमें जाना है, यहाँ पे आप किसी से बात ही
मत कीजिए चाहे, लेकिन जिससे भी बात करेंगे सबके सब साफ तौर पर यही आप कहते हुए नजर आएंगे कि मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। चले वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। 24 के चुनाव हैं, क्या लगता है किस पार्टी को जनता अपने सर माथे बैठाएगी? साहब हमने ना बेरा, हम तो मालूम नहीं, आपको बेरा नहीं है? ये कह रहे हैं हमें तो बेरा नहीं है जी, हम तो अनपढ़ हैं, ये भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। खैर ठीक है, कोई ज़बरदस्ती है भी नहीं, जो अपनी मत रखना चाहते हैं उसी से हम बात भी करना चाहते हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं एक शॉप में। 2024 के चुनाव हैं सर, क्या लगता है कौन सी पार्टी को जनता मौका देगी? राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, कह रहे हैं कि हमारा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है और इस पर कुछ कॉमेंट्स नहीं कर पाएंगे हम। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है चुनावों को लेके। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव किसके लिए फ़ायदेमंद? अभी ध्यान है, मेरे बाद में बताऊँ। अभी ध्यान नहीं है, बाद में बताऊँगा, अभी सोच रहे हैं। और क्योंकि आप देखिए अभी समय भी है, काफ़ी लोग थोड़ा सा सोचना भी चाहते हैं और तमाम चीज़ों को देख के, तमाम फैक्टर्स को देख के उसके बाद निर्णय करते हैं कि आखिर वोट किसको देना है। चलिए और आगे चलते हैं, हम देखते हैं लोगों से बात करके क्या कुछ रुख है उनका चुनावों को लेकर। 2024 का चुनाव है लोकसभा का, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? भाई बाजी तो सारे मारेंगे हमारी तरफ से, आपकी तरफ सारे ही मारेंगे। नहीं चुनाव तो एक ही व्यक्ति जीतेगा ना, जीतेगा एक ही, हमको नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। भाई सारे बाजी मारेंगे, आपको क्या लगता है कौन बाजी मार पाएगा? मैम मैं यहाँ तक नहीं बता सकता हूँ, मैम तो एमपी के हैं। अच्छा, एमपी में क्या माहौल है? एमपी में तो जी बीजेपी का ज़्यादा माहौल है जी। और यहाँ पे? यहाँ पे तो मैं आज ही आया हूँ, नया हूँ, मुझे कोई मालूम नहीं है ज़्यादा। मैं एमपी से हूँ लेकिन एमपी में तो बीजेपी का ही माहौल है और साफ तौर पर बीजेपी को बहुत फ़ायदा चुनावों में होने जा रहा है। बहरहाल 4 जून को देखेंगे कि रिजल्ट क्या आते हैं और किसको एक्चुअली बेनिफिट होता है। इस शॉप पे भी चलते हैं, देखते हैं कुछ लोगों से बात करके क्या कहना है इनका। 2024 के चुनाव हैं जी मैम, क्या लगता है मिठाई की शॉप पे खड़े हैं आप 4 जून को कौन सी पार्टी वाले मिठाई खाएंगे? सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी और कोई भी नहीं? नहीं। क्यों? सिर्फ मोदी। डेवलपमेंट देखिए आप, डेवलपमेंट पे वोट देंगे? हां, नेशनलाइज इंटरनेशनल लेवल, सिर्फ मोदी। खुश हैं एज अ वोटर, जितना नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे देश की जो इमेज है या देश में जो विकास कार्य हुए, आप कह रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन किएगा और इसके लिए आप मोदी जी के साथ जाने का जी मैं हमेशा। तमाम दूसरी पार्टियां कांग्रेस वगैरह बहुत सारी बातें कर रही हैं, सेकेंडरी मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। आपको क्या लगता है वाकई काम कहाँ हुए हैं? उनसे भी करेंगे बात, उनसे भी करेंगे, उनके पास तो ऑर्डर आएंगे ना मिठाइयों के जब रिजल्ट आएगा। आपको क्या लगता है? मोदी को ही देंगे जी, मोदी को ही देंगे। एकदम मोदी के फैन है? किस लिए, मोदी जी के नाम या फिर काम? काम भी है, नाम भी है, दोनों है। आपको क्या लगता है मोदी जी ही फिर से? अरे मोदी जिंदाबाद, मोदी हमेशा मोदी आएगा। तो 4 जून को बढ़िया काम कर रहे हैं, 4 जून को नतीजे आने हैं चुनावों के, है ना? तो आपको मिठाई के ऑर्डर पहले से तो नहीं आ गए? अजी यहाँ पूरा मार्केट में मिठाई बढ़ती है। अच्छा, हाँ, बढ़ती है। आपको पहले से ऑर्डर दे दिए क्या 4 जून के लिए? लड्डू का 4 जून का आया हुआ है मार्केट में। हाँ। कौन सी पार्टी वाले नेता ने 101 किलो लड्डू का आया हुआ है? किसने दिए, बीजेपी वालों ने कि कांग्रेस वाले? बीजेपी वालों ने। अच्छा, ऑर्डर पहले ही दे दिए? हाँ जी, हाँ जी, 101 किलो लड्डू। अरे क्या बात है, मतलब तो फिर जितवाने ही है आपको बीजेपी? बिल्कुल जितवाएंगे। चलिए शुक्रिया, ये कह रहे हैं की ऑर्डर तो अभी से इनके पास आ गया, 101 किलो लड्डू का ऑर्डर इन भाई साहब को दे दिया है और 4 जून के लिए ये ऑर्डर, हालांकि ये बता रहे हैं कि हमें मिल गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 101 किलो लड्डू यहाँ पे ऑर्डर के तौर पे दे दिया गया है ताकि जब नतीजे आए तो वो लोगों में लड्डू बंटवाए जाएं और वो खुशी से जो रिजल्ट है वो बीजेपी के फेवर में ये कह रहे हैं आने जा रहा है उसको सेलिब्रेट करेंगे लोग। आपको क्या लगता है 4 जून को कौन सी पार्टी को पार्टी करने का मौका मिलेगा? बीजेपी। बीजेपी को? हाँ। कोई और नहीं है टक्कर में? ना कोई और टक्कर में हो तभी बीजेपी आएगी। अच्छा, टक्कर हाँ। में हो तब भी बीजेपी आएगी और नहीं है तो फिर आनी ही है, आनी बीजेपी। क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण 370 हटवा दी, सॉरी, और NRC लागू करवाएंगे इलेक्शन के जीतने के बाद, राम मंदिर बनवा दिया, कश्मीर में इतना बदलाव हो गया, भारत में इतना बदलाव हो गया, GDP ऊपर जा रही है, अब पाकिस्तान कुछ नहीं बोल सकता इंडिया के सामने, और क्या चाहिए बताइए।
यही आपके जरूरी मुद्दे? बस यही है, और कोई मुद्दा नहीं है। बहुत से लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, क्या लगता है? नहीं, रोजगार चाहिए नहीं हमें, जमीन लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें रोजगार क्यों चाहिए? अच्छा, आपको रोजगार नहीं चाहिए? नहीं, रोजगार नहीं है हमारे पास रोजगार। हाँ, आप आत्मनिर्भर हैं? आत्मनिर्भर है बिल्कुल। मोदी जी ने बनाया आत्मनिर्भर या खुद ही बने? खुद ही है, पहले से ही है। पहले से ही? फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तरह तमाम दूसरे युवा भी आत्मनिर्भर बने। तो 4 जून को मतलब आप भी फिर पार्टी देंगे ही लोगों को? बिल्कुल पार्टी, हमने तो राम मंदिर बनने पर भी पार्टी दी थी। अच्छा, और अभी पार्टी देंगे? क्या बात है, क्यों नहीं देंगे? 4 जून को एक तो बीजेपी आ गई तो फिर फायदा क्या रहने का, पाकिस्तान चले जाएंगे। क्या बात है, कह रहे 4 जून को तो मैं भी पार्टी दूंगा। जब राम मंदिर बना था तब भी मैंने पार्टी दी थी, और अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे, बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी, तीसरी बार बनेगी, तो फिर से मैं पार्टी दूंगा और जश्न को मनाऊंगा। चुनाव है 2024 के, महंगाई क्या बड़ा फैक्टर होगी इस चुनाव में? मैडम, ऐसा है, महंगाई तो आज के युग में कोई खास मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि लेकिन ये जो एक जो मेन फैक्टर है कि मध्यम वर्ग को बिल्कुल खत्म कर दिया, और जो गरीब तबका है उसको जो ये योजना चला रखी है 88 करोड़ आदमियों को फ्री भोजन, ये गलत व्यवस्था है। जो ऊपर वाले थे अप वाला जो, वे तो अब ये उनको टैक्स भरना है, GST देनी है, जो मध्यम वर्ग था उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। मिडिल क्लास है उसको पूरा तरीके से बिल्कुल बिल्कुल मिडिल क्लास। मिडिल क्लास चुनाव में क्या करेगा सर? देखियो, ऐसा है कि हमारे यहाँ मेन कोई पार्टी का मुद्दा नहीं, हमारे यहाँ चुनाव पर हमारे यहाँ चेहरे का मुद्दा है, क्योंकि ये यादव बहुमल्य क्षेत्र है और यहाँ राव इंद्रजीत है, उनकी यादवों की संख्या भी ज़्यादा है, लगभग 9 लाख के करीब वोट रहे, तो यहाँ राव इंद्रजीत को वोट दे रहा है लोग, ना कि पार्टी को वोट दे रहा है। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं दे रहा, राव इंद्रजीत को? यहाँ राव इंद्रजीत को वोट मिल रही है, ना कि बीजेपी को वोट मिली। राव इंद्रजीत यदि निर्दलीय खड़े होते हैं तो उनको निर्दलीय भी वोट मिलती है, क्योंकि उनकी हर विधानसभा क्षेत्र में, यदि हरियाणा के अंदर वोट बैंक है तो 2 आदमियों के पास है, भूपेंद्र हुड्डा और राव इंद्रजीत। अगर वो निर्दलीय भी खड़े हो तो हर विधानसभा क्षेत्र में उनका इंडिविजुअल 30 और 35 हज़ार वोट खुद के। लोग तो ये भी कहते हैं राजा साहब हैं, वो ग्राउंड पे आते ही नहीं। ये तो उनकी अपनी अपनी हर एक आदमी की सोच है। अगर एक सांसद है, एक विधान, एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1200 गाँव है और लगभग 14-15 नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, आप बताइए एक सांसद कहाँ जाए? मेरे बेटे की शादी, सांसद आएगा वहाँ, लेकिन जहाँ जरूरी काम होते हैं ना जाते हैं, पब्लिक की जो समस्या होती है उसमें खड़े रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, बढ़िया है, रविंद्र जी तो उन्हीं की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और उसी के बूते हम फिर से उनको वोट देंगे। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों का माहौल क्या है? हाँ जी, लोकसभा चुनावों का माहौल क्या है देश में? देश में हम तो मोदी के साथ है, कोई टक्कर में नहीं है। नहीं, कांग्रेस कांग्रेस तो गई 20 साल के लिए, 20 साल और चली गई आज, 20 साल पीछे कांग्रेस तो क्या मोदी जी खत्म ही कर देंगे कांग्रेस को, तो खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी कह रहे 150 भी नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी को पता है उसकी उम्र क्या है, उसको पता है, और लोग उस लोग राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उसको अपने परिवार करियर के बारे में नहीं पता, वो आम जनता क्या सोचेगा? अपने करियर के बारे में नहीं पता है, वो आम जनता की क्या सोचेगा? और भी लोगों से बात करते हैं, हम देखते हैं क्या कहना है उनका। भाई साहब, चुनाव है 2024 के, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? मैडम, अपन राजनीति से कोई नहीं लेना देना, देखो नहीं पता नहीं है, कह रहे हमारा राजनीति से लेना देना ही नहीं है। बहरहाल, शहर में इस मेन मार्केट में हमने जितने भी लोगों से बात की, मेजरली लोगों का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बेहद फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने ग्राउंड पे किए और उन्हीं तमाम कामों के बदौलत लोग ग्राउंड पे बेहद खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। उनको कोई और नेता नहीं चाहिए, उनको कोई और रीज़न नहीं चाहिए, उनको कोई और पार्टी नहीं चाहिए। जो काम डेवलपमेंट को लेके, नेशनल हाईवेज़ को लेके, देश की इमेज बनाने को लेके हुए हैं, वो वाकई में अविश्वसनीय हैं और लोग वाकई उन तमाम कामों की सराहना कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आज हमने आपको दिखाया पटौदी में क्या हाल है, पटौदी के मुख्य बाजार से लोगों का फीडबैक क्या है सरकार को लेकर और इस चुनाव को लेकर, कि पटौदी की जनता किस तरफ इशारा कर रही है कि 4 जून को आखिर क्या कुछ रहने वाला है। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, आपके बीच लोगों की तमाम बातों को पहुंचा रहे हैं, और वोट आपको करना है 25 मई को, और उसके बाद आप क्या फैसला लेते हैं 4 जून को पूरे देश के सामने आ ही जाएगा। हम तब तक यूं ही इस चुनाव को कवर करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे इस चुनाव के पल पल का हाल। मुझे दीजिए इजाज़त, फिलहाल मेरे साथ महाभारत के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।